सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्चुअल डिजिटल योग अभियान का आयोजन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर में 15 जून से 21 जून तक प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक किया गया। विभिन्न योगासन विभिन्न थीम पर वर्चुअल तरीके से किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन के संपूर्ण भारत के छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों व अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। केवी संगठन ने अपने 7 संबंध संभागों को एक साथ थीम दी, जिस पर उन्होंने 30 मिनट से 1 घंटे का अपना अपना कार्यक्रम बनाकर उसकी लिंक समस्त संभागों में भेजी, जिसका प्रसारण यूट्यूब व बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे सप्ताह सुबह 7 बजे से 8 बजे तक किया गया है, जिसका अनुकरण बच्चों व अभिभावकों के अलावा शिक्षकों और इनके परिजनों ने किया। इसी के साथ सागर के केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1, क्रमांक 2, क्रमांक 3 एवं क्रमांक 4 ढाना में भी पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। योगासन, सूर्य नमस्कार द्वारा योग की उपयोगिता आदि बिंदुओं पर विशेष शिक्षकों द्वारा अपने विचार साझा किए गए। 21 जून को केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर के प्राचार्य अजीत सिंह द्वारा योग के संदर्भ में प्रेरक व मोटिवेशनल उद्बोधन के उपरांत योग के साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। आदरणीय प्राचार्य, सम्मान्य शिक्षकगण और मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को सुप्रभात। मैं नीता यादव आज आप सभी को योग के कुछ लाभ एवं महत्व बताना चाहती हूँ। सबसे पहले यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि योग क्या है और इससे क्या होता है। आज के इस प्रदूषण युक्त वातावरण, दूषित जल तथा हमारी बदलती हुई दिनचर्या के कारण बहुत सारी बीमारियों ने हमारे शरीर में जन्म ले लिया है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम तथा योग करने की आवश्यकता है। वास्तव में योग शरीर और मन के बीच जोड़ का काम करता है तथा आज बहुत सारी बीमारियों के पीछे हमारा मानसिक तनाव उसकी वजह बना हुआ है। योग का अभ्यास करना बहुत फायदेमंद है। केंद्रीय विद्यालय संगठन सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों को डिजिटल वर्चुअल माध्यम से आयोजित करने के निर्देश समस्त केंद्रीय विद्यालय संगठन के केंद्रीय विद्यालयों में भेजे गए। इस तारतम्य में 15 जून 2021 से 21 जून 2021 तक 7 दिवसीय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें डिजिटली रूप से ऑनलाइन प्रत्येक दिवस सुबह 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटे योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास कराया गया, जिसे हमारे विद्यालय के छात्र, अभिभावक, शिक्षक और उनके परिजनों ने जिसका अनुसरण किया। इस दौरान उन्होंने अपने योगासनों के फोटो और वीडियोज हम लोगों तक शेयर किए हुए हैं। इसी कार्यक्रम में समस्त केंद्रीय विद्यालयों ने विभिन्न आयोजन किए, जिसमें केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर ने ड्राइंग कॉम्पिटिशन, पेंटिंग कॉम्पिटिशन, क्विज, मोटिवेशनल स्पीच, जिन्हें योगाचार्यों द्वारा बच्चों को प्रेरणात्मक स्पीच दी गई, योग इस महामारी में योग से कैसे बचाव और सुरक्षा की जा सकती है, इसके बारे में जानकारियां दी गई। कल 21 जून को इस साप्ताहिक कार्यक्रम का समापन केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्राचार्य श्री अजीत सिंह के प्रेरणात्मक स्पीच के द्वारा समाप्त होगा।